सोलन की तार फैक्ट्री के समीप एक व्यक्ति हाई टेंशन वायर्स की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक बुरी तरह से झुलस गया है। गनीमत ये रही कि करंट लगने के बाद एक बड़े धमाके से लाइन समय पर बंद हो गई और वह झटका खाकर दूर जा गिरा। यही वजह है कि युवक की जान बच गई। फिलहाल घायल युवक को सोलन अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर रोष जाहिर किया है और बताया कि कपड़े उतारते हुए युवक को करंट लगा, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से झुलस गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई टेंशन वायर्स से सटकर कई भवन बन चुके हैं, जो कि बिल्कुल अवैध हैं। बिजली बोर्ड ने इस बाबत भवन मालिकों को केवल नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है और किसी भी तरह की कार्रवाई इन भवन मालिकों के खिलाफ नहीं की जा रही है। इसीलिए वह इस तरह की घटनाओं के लिए बिजली बोर्ड को ही दोषी मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लापरवाही और लेट लतीफी के कारण ही इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और शायद बिजली बोर्ड किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर कपड़े डाले हुए थे लेंटर पे, तो उनका कंबल इस मेन लाइन पे गिर गया। कसौली लाइन है, फेड रहा है, 33,000 वोल्ट का है ये। कंबल हटा रहा था लड़का, तो उसको करंट लग गया और उसकी बाजू जल गई है और उसको रेड क्रॉस के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। बाकी चोट लगी काफ़ी उसको ऐसे बाजू में। और कंस्ट्रक्शन बहुत इलीगल करी गई है यहाँ पे, इससे किसी की भी जान जा सकती है। कल को बहुत गलत चीज़ है, मतलब इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सर। हाँ जी, पहले भी हुआ था, पहले गुरुजिया जी को लगा था सामने करंट, वो तो 80% बर्न थे, मतलब बहुत मुश्किल चांस था बचने का उनका। तो उसके बाद बावजूद भी यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और देखो आप बिल्कुल मेन लाइनों के साथ साथ घर जोड़े जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। इसका कुछ करना चाहिए सरकार को, मैं तो बोलता हूँ। देखो अभी मिस हैपनिंग, उसकी जान भी जा सकती थी। ये तो चलो थोड़ा बहुत चोट में उसका निपट गया, पर अगर जान चली जाती तो ज़िंदगी बहुत कीमती होती है एक इंसान की। बट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले समझते नहीं कुछ, कभी हेल्प करते नहीं, ना आते हैं यहाँ को देखने के लिए। इसका भी इनको थोड़ा निकालना चाहिए कोई सोल्यूशन। नोटिस जारी करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, बात यह। और काफ़ी टाइम से नोटिस जारी किए गए और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके ऊपर। हम इसके अगेंस्ट है बिल्कुल। हम तो यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है।